हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं बेटा आप सब। चलिए फिर हम आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और हम आज जो आपको टॉपिक देख रहे हैं वो है थिकनेस ऑफ थिन फिल्म्स। कौन सा टॉपिक देख रहे हैं बेटा? थिकनेस ऑफ थिन फिल्म। ठीक है, देखिए ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा अलग टॉपिक नहीं है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, वही टॉपिक है बट लेकिन इंटरफेरेंस के टर्म्स में। अब हम समझने की कोशिश करेंगे लाइट के टर्म्स में, बट बेसिकली जब रिजल्टेंट लेके जाएंगे तो उसको इंटरफेरेंस में कन्वर्ट कर देंगे। देखो एक चीज आपने देखी है क्या, जब बचपन में सोप बबल उड़ाए बहुत, है ना, सोप बबल का कलर देखना कितना एकदम फैसिनेटिंग सा लगता है ना। तो जो सोप बबल का कलर होता है ना, वो कलर होता है बेटा इसी थिकनेस ऑफ थिन फिल्म के कारण, या फिर इंटरफेरेंस। ये थिन फिल्म के कारण जो इंटरफेरेंस आता है ना, उसके कारण उसका कलर इतना प्यारा सा होता है। जैसे आप वो देखें रोड में चलते समय क्या होता है, जैसे मान लीजिए रोड में गड्ढा है, वहां कहीं पानी पड़ गया, अब गाड़ियां चलते रहती हैं, गाड़ियां का एक आध बूंद वहां पेट्रोल आ जाता है या कोई ऑयल आ जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, उस जो गड्ढे में पानी था वाटर, उसके ऊपर ऑयल की एक लेयर बन जाती है ना। और वो ऑयल की लेयर वाटर की लेयर के ऊपर है, तो वहां भी ऑयल की एक क्या बन जाती है, थिन फिल्म बन जाती है। तो उस थिन फिल्म के कारण देखना थोड़ी देर बाद वो क्या दिखने लगता है, कलरफुल दिखता है। तो वो भी कलरफुल दिख रहा है, क्यों दिख रहे हैं ये सारी चीजें कलरफुल, ये कलरफुल दिख रही है इंटरफेरेंस के कारण। ठीक है, ये सारी चीजें किसके कारण कलरफुल दिखती है, इंटरफेरेंस के कारण। अब देखो होता क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो बेटा यहाँ पे क्या है, एक ये वाटर की लेयर हो गई, समझ में आया। यहाँ पे क्या है हमारे पास, वाटर है। अब वाटर के ऊपर हमारे पास किसकी लेयर बन गई, ये बन गई मेरे पास ऑयल की लेयर बन गई, समझ में आया। ठीक, अब मानो कि यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से क्या इंसिडेंट हो गई, लाइट। अब जैसे लाइट को यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक सरफेस मिल गई, तो ये क्या करेगा लाइट भाई, सरफेस मिल गई मतलब रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा फिर, लेकिन रिफ्लेक्ट कर रहा है तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट करता है क्या, नहीं कुछ ट्रांसमिट भी करता है। तो मान लीजिए ये क्या कर दिया, कुछ ट्रांसमिट कर गया। अब जो ट्रांसमिट किया है वो ऑयल की लेयर को क्रॉस करते हुए कहाँ टच कर जाएगा, वाटर के सरफेस पे, ऐसे सरफेस पे जो ऑयल और वाटर को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे टच कर गया मतलब अब इसके सरफेस में भी तो नॉर्मल होगा, तो जैसे ही नॉर्मल से टकराएगा तो देखो अब ये इंसिडेंट रे के जैसा काम कर रहा है, तो मतलब ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, ये क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया। अब देखो जैसे रिफ्लेक्ट किया है यहाँ पे, फिर से इसके पास नॉर्मल मिल गया, तो जब ये रिफ्लेक्ट किया है ना, तो ये रिफ्रैक्ट भी करेगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से फिर से ये क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, और ये क्या कर सकता है, रिफ्रैक्ट कर सकता है। समझ पा रहे हो थोड़ा बहुत, एक बार फिर से देखो, इंसिडेंट हुआ, जब इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्शन भी होगा लेकिन कुछ ट्रांसमिट भी करेगा, समझ में आया। इंसिडेंट हुआ है तो रिफ्लेक्शन भी होगा लेकिन कुछ ट्रांसमिट करेगा, इस तरफ दिखा सकते हो बिल्कुल। ठीक, फिर देखो इंसिडेंट हुआ है तो रिफ्लेक्ट भी करेगा और ट्रांसमिट भी करेगा, भैया रे ऐसे जाके ये ऐसे जा रही है, तो ट्रांसमिशन वाला इधर जाएगा ना, देखो इधर जाके इधर जा रही है, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, तो ये ट्रांसमिटेड इस तरफ जाएगा। अब देखो फिर यहाँ इसको नॉर्मल मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंसिडेंट तो ये फिर से क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड, और फिर ये सरफेस है तो फिर से क्या मिल जाएगा, ट्रांसमिटेड। तो मतलब बेटा क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो ये एक रिफ्रैक्टेड, ये दूसरा रिफ्रैक्टेड, ये तीसरा रिफ्लेक्टेड, या फिर ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड। अब ये जो अलग अलग तरीके, क्योंकि दो फिल्म है ना, अलग अलग तरीके के ट्रांसमिटेड रेज दिख रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे क्या होता है, ये अगर वेव्स आपस, अब देखो इसी को मैं बोलती हूँ, मान लो वेव वन, इसको बोलते हैं मान लो वेव टू। ठीक, तो अगर ये दोनों वेव्स आपस में ऐड हो गए, अगर ये दोनों वेव्स क्या हो गए, आपस में ऐड हो गए, तो आपको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा। अगर ये दोनों वेव आपस में सब्स्ट्रैक्ट हो गए तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक, तो आप कई लोग मेरे को बोलेंगे मैम अगर ये ऐड हो रहा है तो कंस्ट्रक्टिव आ रहा है, आपने बोला चलो करेक्ट मान लिया, तो कंस्ट्रक्टिव आ रहा है मतलब वो ब्राइट दिखेगा। अगर ये दोनों सब्स्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो तो ब्लैक दिखेगा, लेकिन कलरफुल का फिनोमिनन कहाँ से आया। देखो कलरफुल का फिनोमिनन यहां से आया बेटा कि हम जब वेव की बात करते हैं तो वेव में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास दो
वेव में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, मतलब हम यहाँ पे जो इंसिडेंट रे लेते हैं ना वो लिमिटेड वेवलेंथ का लेते हैं, ठीक है, मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ लेते हैं। जब कोई एक वेवलेंथ लोगे ये लाइट रे एक ही वेवलेंथ की आएगी, यहाँ पे जाएगी फिर ट्रांसमिट होगा यहाँ जाएगी, वो दोनों ऐड होगी, मतलब वेवलेंथ सेम है दोनों का, क्योंकि हम इंटरफेरेंस जब पढ़ते हैं तो हम ये जो वेव लेते हैं ना इंटरफेरेंस इंसिडेंट वेव, वही हमारी क्या होती है एक सिंगल वेवलेंथ होती है। तो जब वो सिंगल वेवलेंथ जा रही तो यहाँ पे भी सिंगल वेवलेंथ जाएगी, यहाँ पे भी सिंगल, दोनों जुड़ेगी तो डबल हो जाएगा, दोनों घटेगा तो माइनस होके जीरो हो जाएगा, समझ में आया। तो इसलिए वेव की कंडीशन में हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, जहां पे हमें या तो क्या मिलने वाला है डार्क ब्राइट मिलने वाला है या फिर हमें डार्क फ्रिंज मिलने वाले हैं, क्लियर हुआ, ठीक। लेकिन अगर लाइट के केस में देखोगे तो यही लाइट के केस में क्या होता है, यहाँ पे लाइट वेव्स आती हैं, और लाइट वेव्स मतलब लाइट में कितने कलर हैं, लाइट में तो बहुत सारे अलग अलग वेव लेंथ है। अब अलग अलग वेव लेंथ है तो बेटा कहीं पे कोई वेव एड हो रही है, कहीं पे कोई वेव सब्सट्रैक्ट हो रही है, इसलिए वहां पे क्या होता है मल्टीपल कलर्स दिखते हैं। जैसे मान लो लाइट है, लाइट में अलग अलग वेव लेंथ की रेंज है ना, तो कोई वेवलेंथ यहाँ कहीं पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा, किसी वेवलेंथ का कहीं पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा होगा, तो ऐसे नंबर ऑफ इंटरफेरेंस दिखाई देते हैं, और उसी इंटरफेरेंस के कारण शो बबल वगैरह क्या दिखाई देता है कलरफुल, कुछ समझ पाए, ठीक। तो इस केस में अगर हम इंटरफेरेंस देखेंगे तो इंटरफेरेंस हमें दो टाइप का मिलने वाला है, एक हमें मिलने वाला है क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा इस केस में भी, थिन फिल्म के भी केस में भी कंस्ट्रक्टिव। जब कंस्ट्रक्टिव हो रहा है मतलब हमें क्या मिलने वाला है बेटा ब्राइट दिखाई देगा, अगर हमारे पास ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है मतलब हमें क्या दिखाई देगा डार्क दिखाई देगा, डार्क फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको मेंशन करके देगा कि कौन से फ्रिंजेस है, ठीक। एक और चीज यहाँ पे हमेशा ध्यान देखना कि जब ये हम अभी तो हम फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे थोड़ी देर में, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, जैसे देखो YDSE में जब हम पढ़ रहे थे तो YDSE में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस में मिलता था, जब हमारी कंडीशन क्या थी बेटा n लैम्डा, n लैम्डा में हमें क्या मिलता था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे हमें 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और n लैम्डा पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ये YDSE की कंडीशन से जस्ट अपोजिट होता है, ये ध्यान रखना। फिल्म का जो केस होता है वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस YDSE के केस से जस्ट अपोजिट होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस n लैम्डा पे मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 पे मिलेगा। अब इसका रीजन क्या होता है, देखो इसका रीजन ये होता है कि जब लाइट रे, देखो खुद मतलब ऐसा समझो कि जब लाइट रे क्या होती है, देखो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, ये मान लो ये डेंसर है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, ठीक है। जब लाइट मीडियम डेंसर मीडियम से रेयरर में जाती है, ठीक, तो कोई फेज चेंज नहीं होता, ठीक है, और जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है ना तो फेज चेंज हो जाता है, या फिर ये ऐसा कुछ मत समझो, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इतना ध्यान रखो कि जब लाइट मीडियम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती हैं तो एक्स्ट्रा फेज चेंज आता है। थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, ये वाला वेव देखो, पहले जिस फेज में था अभी भी उसी फेज में है, बस सिर्फ एंगल चेंज हुआ, इसी फेज में था उसी फेज में कोई वेरिएशन आया है क्या, नहीं। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये पहले तो इस वेव से जा रहा था, अभी देखो थोड़ा डाइवर्टेड लग रहा है। थोड़ा सा समझने के लिए बस है ना, कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है, थोड़ा समझने के लिए समझो कि जब रेयरर मीडियम से जाती है डेंसर मीडियम में तो क्या होता है एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस जो होता है ना बेटा वो कितने का होता है, लैम्डा बाई 2 का होता है। मतलब जब लाइट वेव इस तरीके से हम डील करते हैं लाइट वेव में, जब हम रिवर्स डायरेक्शन में देखते हैं, लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2 का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस होता है। मतलब समझो इसमें अगर जैसे उसमें n लैम्डा में क्या मिलता था, ब्राइट मिलता था, कहाँ पे, YDSE में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे भी n लैम्डा 2 में ब्राइट ही मिलता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस हो जाता है लैम्डा बाई 2 का। तो मतलब अगर इसमें
ब्राइट फ्रिंज के लिए देखना चाहो तो एन लैम्डा भी मिलना चाहिए, बट इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, एक्स वाई ब्राइट इसी फेज में लैम्डा बाई टू एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये लैम्डा बाई टू एक्स्ट्रा करने के चक्कर में ये क्या मिलता है, हमको डार्क फ्रिंज में ब्राइट मिलने लगता है। तो मतलब आप इस एनालिसिस पे बिल्कुल मत जाओ, ये एक्चुअली क्या है, ये पूरा डेरिवेशन ही हमारे सिलेबस का पोर्शन नहीं है, बट क्योंकि एक सिर्फ न्यूमेरिकल है जो इसके क्वेश्चंस के आते हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक कवर कराने करा रही हूँ। ठीक है, देखो अभी आप लोग ये कंडीशन आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाई डी एस ई में किस में मिलता है, एन लैम्डा में। यहाँ पे क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। क्लियर है, जहां वहां का डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव, यहाँ का डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव अपोजिट होते हैं, एक का याद रखना दूसरे का अपने आप याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करें कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं, इसकी थिकनेस। ठीक है, देखो वही वाला डायग्राम हमें फिर बनाना पड़ेगा ताकि हम आगे की कैलकुलेशन कर सके, थोड़ा सा हम एलैबोरेट करके बना लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लाइट रे आ रही है बेटा, ये लाइट रे आ गई। ठीक, अब ये लाइट रे मान लो यहां से चली गई यहां, ये तो गड़बड़ हो गया, कुछ ज्यादा ही डाइवर्ट कर दिया मैंने, चलेगा। ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा ना डायग्राम, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये लाइट रे आई, फिर ये आपका नॉर्मल, नॉर्मल के बाद ये रिफ्लेक्टेड, और ये हमारा क्या ट्रांसमिटेड, फिर ये आपका नॉर्मल, यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्टेड, फिर ये आपका नॉर्मल, और ये आपका ट्रांसमिटेड। ठीक है, ये लाइट रे आ गई। अब यहाँ पे सबको नाम दे देते हैं ताकि हमको सॉल्व करते बन जाए। मान लिया ए बी सी, ठीक, अब एक बात बता दो, अगर मैं यहां से इसमें नॉर्मल प्लॉट कर दूं, ये नॉर्मल प्लॉट कर दिया, ठीक है, और इसको कोई पॉइंट बोल दो M, ये पॉइंट कोई दे दो N, L कुछ भी, ठीक है, ये समझ में आ रहा क्या किया, ये क्या है, यहां पे आपका क्या है बेटा, ये वाली लेयर हमारी ऑयल की लेयर है, ये ऑयल है ना, ये वाली लेयर कौन सी हमारी, वाटर है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एयर है। इस ऑयल का मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, और इसकी थिकनेस क्या है हमने मान ली टी, ठीक है, टी इसकी क्या है, थिकनेस है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया हमने, म्यू मान लिया है। क्लियर, अब देखो इतना समझ में आया, इतना होने के बाद अब एक बात समझने की कोशिश करो कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, तो हमको निकालना है पाथ डिफरेंस कितना है, क्योंकि देखो हमको पता है कि हमारे पास ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब आएगा, जब 2n-1 लैम्डा बाई 2 होगा। लेकिन ये होता क्या है, ये तो डेल्टा एक्स ही होता है ना, ये भी क्या होता है, डेल्टा एक्स होता है, पाथ डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक, तो सॉरी तो यहाँ पे भी हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक, तो अब देखो ये लाइन, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, दोनों रिफ्लेक्टेड है, अगर इस लाइन से यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट कर दोगे, मतलब इस तरफ का भाग तो बराबर हो गया भाई, अगर देखो भले नॉर्मल जैसा नहीं दिख रहा है, नॉर्मल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, क्योंकि अगर ये एग्जैक्टली नॉर्मल प्लॉट करोगे तो इस तरफ के सेक्शन तो दोनों में बराबर है, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन बराबर है। ठीक, मतलब एक बात समझो कि जब तक ये वाली ये रे जब तक यहाँ पहुंच रही है, मतलब ये वाली रे जब तक ए से लेके एम तक पहुंच रही है, ये वाली रे कहाँ पहुंच जा रही है, ए से लेके बी, बी से लेके सी तक पहुंच रही है, यही डिफरेंस है दोनों का, बाकी इधर का पाथ तो सेम है। दो रे है, एक रे जा रही है ए से एम और एम से फिर आगे, दूसरी रे है ए से बी, बी से सी और सी से फिर आगे, दोनों में डिफरेंस कितना है, देखो M के बाद की चीजें और C के बाद की चीजें सेम है, मतलब ये इतने में से अगर मैं AM का AB plus BC में अगर मैं AM घटा दूं तो मेरे को डिफरेंस पता चल जाएगा दोनों के पाथ का, कुछ समझ पा रहे हो, AB C
और सी से मान लो इसको लिख दिया, डी नहीं लिखा है ना, डी इसको लिख दिया ई। तो एक पाथ है ये वाला और एक पाथ है ये वाला, ठीक। ये और ये बराबर है, यहाँ से एम ई और सी डी बराबर है, यहाँ नॉर्मल प्लॉट कर दिया। तो ए बी सी में से अगर मैं ए एम को घटा दूँ, ए बी प्लस बी सी में से अगर मैं ए एम को घटा दूँ, दो दोनों पाथ का डिफरेंस पता चल जाएगा ना भाई, कितना डिफरेंस है, ठीक। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी में से ए एम घटाना पड़ेगा। ए एम को घटा देंगे तो क्या पता चल जाएगा कि इस पाथ में और इस पाथ में कितने का डिफरेंस है। कुछ समझ आया? इधर का भाग तो सेम है, ये ज्यादा है ये कम है, दोनों को माइनस कर दो तो दोनों पाथ का क्या पता चल जाएगा, डिफरेंस, क्लियर। लेकिन एक बात ध्यान दो, यहाँ वाला जो पाथ है वो एयर में है, ठीक है। तो उसका हमको नॉर्मल डिस्टेंस लेना बेटा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 ही होता है। बट ये वाला जो पाथ है ये किसमें है, ए ऑयल में है, यानी इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो इसका हमको ऑप्टिक डिस्टेंस लेना पड़ेगा, यानी म्यू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ म्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन 1 ही होता है वैल्यू, इसलिए एज इट इज रहने दो। समझ में आई चीज, ठीक। अब देखो ऑप्टिकल डिस्टेंस लिया है ना ये, क्यों भाई, ऑप्टिक इसका इफेक्ट तो दिखेगा ना रिफ्रैक्शन का। तो ये वैल्यू आ गई आपकी म्यू टाइम्स। अब देखो ए बी और बी सी कहीं ना कहीं बराबर है, क्योंकि देखो ये एंगल कौन सा है, देखो ये वाला एंगल कौन सा है, इंसिडेंट एंगल है, ये वाला एंगल कौन सा है, रिफ्रेक्टेड एंगल है, तो ये वाला एंगल भी रिफ्रेक्टेड। अब भाई ये इंसिडेंट ये रिफ्रेक्टेड तो ये भी रिफ्रेक्टेड, ये भले डायग्राम में मेरा दिख नहीं रहा लेकिन दोनों क्या है, बराबर ही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स ए बी माइनस ए एम लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अगर ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, आई होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस आई होगा, ये क्या है, 90 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। सबको क्लियर, ये वाला एंगल आई तो ये टोटल 90 है, ये टोटल क्या है, 90 है, तो ये छोटू वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस आई होगा। अब ये वाला क्या है, 90 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा, ठीक। अब अगर मैं लिखना चाहूँ, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, क्लियर, ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। इसको हमको बाद में पुटअप करना, बाकी हम ये वैल्यूज निकाल लेते हैं तब इसमें फिर पुट करेंगे। हमारा अगला टारगेट क्या है, ए बी और ए एम फाइंड आउट करना। हम फाइंड आउट करेंगे तब तो डेल एक्स निकालेंगे ना, डेल एक्स को बराबर कर देंगे पहले वाली वैल्यू से, वो कंस्ट्रक्टिव फील्ड और डिस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस की वैल्यू है उससे हमारे फॉर्मूलेज आ जाएंगे, क्लियर। तो अब देखो अगर मैं लिखना चाहूँ साइन आई, तो साइन आई यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखो साइन आई ये आई है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपरटेनियस होगा, ठीक। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ए एम है, और हाइपरटेनियस क्या है तुम्हारा, ये वाले पॉइंट कुछ नहीं लिखा, सी लिख लो, ये क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो ए एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए सी साइन आई लिख सकते हो, क्लियर, ए सी साइन आई। और ए सी किसके बराबर है, 2AL लिख सकती हूँ क्या, देखो ए सी इज इक्वल टू ए सी है, ए सी ए एल और एल सी दोनों बराबर हैं, तो इसको मैं 2AL लिख लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स AL साइन आई, क्लियर हुआ। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि देखो AL इज इक्वल्स टू LC, ए और LC क्या है आपस में बराबर हैं, और AC इज इक्वल्स टू क्या है, AL प्लस LC है। AC की वैल्यू क्या है, AL प्लस LC के बराबर है, और AL और LC आपस में क्या है, बराबर हैं, तो AC इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, 2AL लिख सकते हो। तो वही कर दिया, इज इक्वल्स टू कर दिया साइन आई के, यानी AM की वैल्यू क्या आ गई, AM की वैल्यू आ गई बेटा साइन 2AL साइन आई के बराबर, क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना चाहूँ तो क्या होगा बताओ, स्नेल्स लॉ, क्योंकि दो मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, इस मीडियम का एंगल और इसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का एंगल और इसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ का तो क्या लिख सकते हो, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1, और यहाँ का एंगल क्या है, आई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू साइन आई,
इज इक्वल्स टू म्यू इन टू साइन आर। ऐसा क्यों किया? यहाँ का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। यहाँ का एंगल क्या है? आर। तो यहाँ का क्या लिख सकते हो? म्यू इन टू साइन आर। मतलब फाइनली क्या मिल रहा है? साइन आर आई इज इक्वल्स टू मिल रहा है म्यू साइन आर। ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो। ठीक है, देखिए तो यहां तक की वैल्यू हमने समझ ली। कहां तक? साइन आई इज इक्वल टू क्या आ गया? म्यू साइन आर आ गया। क्लियर है? अब देखो बेटा, इसके आगे क्या करना है? म्यू साइन आर निकल गया, ये साइन आई की वैल्यू यहाँ पे भी साइन आई है, इसको रिप्लेस कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? ए एम इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2AL म्यू साइन आर आ जाएगा, क्योंकि साइन आई को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? म्यू साइन आर से रिप्लेस कर दिया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बाद में ए एम की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे टर्म में आया है ए एल। वैसे तो हम चाहें तो अभी ही ए एम को उठा के यहाँ पे रख सकते थे, बट क्या है, इसमें वैल्यू है ए एल की। अब ये ए एल देख लो, ये ए एल तो हमारे लिए अननोन है ना, ना थिकनेस है प्लेट का, ना कुछ है। तो हम इस वैल्यू को फिर से न्यूमेरिकल जब देगा तो फिर हमें सॉल्व करने में क्या आ जाएगी? तकलीफ आ जाएगी। इसलिए ए एल को हमें चेंज करना है ना। तो ए एल को कैसे चेंज करोगे? मान लो साइन आर यहाँ से इसी ट्राइंगल में साइन आर लेके देखो, साइन आर की वैल्यू क्या आती है। तो अगर हम यहाँ से साइन आर की वैल्यू लेते हैं तो साइन आर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ए एल डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा? साइन आर। लंब बट साइन ले रहे हैं तो लंब बटे कर्ण है ना, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो ये जाएगा ए बी। तो ए एल की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप? ए बी साइन आर। इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दो, ये वाली वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप करो। तो ए एम की फाइनल वैल्यू क्या मिल रही है मेरे को? 2 म्यू ए बी साइन स्क्वायर आर मिल रही है। फाइनल वैल्यू क्या मिल रही है ए बी की? फाइनल वैल्यू ए एम की फाइनल वैल्यू 2 म्यू ए बी साइन स्क्वायर आर, ये मिल रही है। ठीक, अब देखो ये ए एम आ गया, अब इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो डेल्टा एक्स फाइनली क्या मिल जाएगा हमें? देखो टू, यहाँ पे भी 2 म्यू ए बी है, माइनस में 2 म्यू ए बी साइन स्क्वायर आर है। ठीक, यहाँ से 2 म्यू ए बी कॉमन कर सकते हो, क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर आर को क्या लिख सकते हो बेटा? कॉस स्क्वायर आर लिख सकते हो डेफिनेटली। तो डेल्टा एक्स क्या आ जा रहा है? 2 म्यू ए बी कॉस स्क्वायर आर। ठीक, अब मेरे को एक बात बता दो, क्या कॉस स्क्वायर आर, तो चलो ठीक है आर रिफ्रेक्टिव एंगल है हमें पता रहेगा, म्यू हमें मालूम रहेगा, ए बी हमें मालूम रहेगा क्या? ए बी क्या है? देखो ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ तो नहीं पता रहेगी, लेकिन हमें थिकनेस जरूर पता रहेगा। तो हम इसको थिकनेस के टर्म में चेंज कर लेते हैं। तो थिकनेस के टर्म में कैसे चेंज करोगे भाई? थिकनेस के टर्म में चेंज करने के लिए तुमको कोई ऐसा एंगल लेना पड़ेगा जिसमें बेस आता हो, क्योंकि अगर मैं कॉस आर लेती हूँ तो ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, मतलब क्या लेना पड़ेगा? कॉस। तो हम क्या ले लेंगे? कॉस आर। कॉस आर क्या आ जाएगा? बेस पर बेस अपॉन हाइपरटेनियस। तो बेस को इसमें कोई वैल्यू लिख लो, मान लो एन लिख लो, तो बेस क्या आ जाएगा? ए एन अपॉन ए बी है ना, ए एन विस टी अपॉन ए बी डायरेक्ट ले लिख लिया। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जा रही है यहाँ से? टी अपॉन कॉस आर, ये आ गई। ठीक, अब ये जो टी अपॉन कॉस आर है ना, दिखाई दे रहा है क्या? चलो देखते हैं एक्चुअली क्या है यहाँ पे। तो ये टी अपॉन कॉस आर को यहाँ पुट कर दो, तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा? 2 म्यू ए बी की जगह क्या रख दिया? टी अपॉन कॉस में आर, यहाँ पे क्या है? कॉस स्क्वायर आर। तो एक कॉस कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? 2 म्यू टी कॉस इंटू आर। तो दैट इज माई फाइनल डेल्टा एक्स। ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर है, फाइनल प्रूफ है कि जो पाथ डिफरेंस हमारा क्या होता है, वो होता है 2 म्यू टी कॉस आर। क्लियर है? अब यही जो पाथ डिफरेंस है बेटा, यही जो पाथ डिफरेंस है हमारा, कौन सा पाथ डिफरेंस? डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर। ये जो पाथ डिफरेंस है, यही क्या होगा अगर हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए निकालना है? ठीक है, कंस्ट्रक्टिव के लिए निकालना है तो ये एन लैम्डा के बराबर होगा। ठीक, और इसी को ये डेल्टा एक्स एन लैम्डा होगा अगर हमें किसके लिए चाहिए, सॉरी डिस्ट्रक्टिव के लिए। कंस्ट्रक्टिव के लिए चाहिए तो क्या होगा, इसको मैं काट देती हूँ, 2n-1 लैम्डा बाय 2।
और अगर डिस्ट्रक्टिव प्ले निकालना है तब ये एन लैम्डा के बराबर होगा। क्लियर हुआ? कुछ नहीं समझ में आया होगा? चलिए, जो न्यूमेरिकल हम एग्जाम में दिए थे वाला एक बार देख लेते हैं, तो शायद कुछ चीज़ें हमें क्लियर हो जाएगी। देखो, इस क्वेश्चन में दिया था अ लाइट ऑफ वेव लेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम फॉल नॉर्मली ऑन अ थिन एयर फिल्म। एक क्या हो रहा है, एक प्लेट है, मान लो थिन एयर फिल्म है, ठीक। ये थिन एयर फिल्म है, यहाँ पे कोई लाइट वेव फॉल हो रही है। कैसे फॉल हो रही है? 90 डिग्री। देखो क्या लिखा हुआ है, अ लाइट ऑफ वेव लेंथ दिस फॉल नॉर्मली ऑन अ थिन एयर फिल्म। जहाँ पे थिन फिल्म लिखे, समझ जाना किस कौन सी कंडीशन की बात हो रही है, थिन फिल्म की बात हो रही है। द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ फिल्म सच दैट द फिल्म अपीयर्स डार्क इन रिफ्लेक्टेड रेस। कैसा रिफ्लेक्ट करना चाहिए? डार्क रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो मतलब कंडीशन क्या दिया है, 90 डिग्री में एंटर कर रहा है, डार्क दिखना चाहिए। तो हमें पता है कि भाई जब डेल्टा एक्स का फॉर्मूला में पता है, डेल्टा एक्स क्या होता है, 2μT cos R होता है। इतना समझ में आया? अभी जस्ट ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया। डेल्टा एक्स किसके लिए निकालना है, डार्क के लिए, रिफ्लेक्टेड रे में डार्क रहे ना। कब देखो क्या फाइंड आउट करना बोला था, थिकनेस, द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म सच दैट द फिल्म अपीयर्स डार्क। तो डार्क कब दिखेगा, डार्क दिखने के लिए इसका रिफ्लेक्ट, इसका क्या होना चाहिए, एन लैम्डा। अभी पढ़ा था वाई डी एस सी के अपोजिट आना चाहिए, तो वाई डी एस सी का ये किस में आता है, ब्राइट में आता है, तो इसमें ये डार्क में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2μT cos R हो जाएगा। अब cos R कितना देगा, रिफ्लेक्ट, ये कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो भाई जब 90 डिग्री में आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड क्या होगा, बैक टू होगा, मतलब उसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, 2μT cos 0 क्या हो जाएगा, 1, यानी एन लैम्डा। थिकनेस फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, एन लैम्डा बाय 2 times μ, ये हो जाएगा। थिकनेस फाइंड आउट करना है ना हमें, ठीक। तो अब देखो थिकनेस क्या हो जाएगा, मिनिमम थिकनेस है तो एन को तो 1 कर दो, क्योंकि भाई एन बढ़ाते, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना बेटा, अब ये वाली वैल्यू देखो, ये सारी गिवन वैल्यूज हमने फीट कर ली है, थिकनेस हमें निकालना था, गिवन वैल्यूज पुट करो, सीधा वैल्यू कैलकुलेट करो और आपका फाइनल आंसर आपके पास में होगा, ठीक है। कैलकुलेट करके आप मुझे मैसेज करोगे, और अगले क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।